चेक करें ज़रा, ये पराठे की लेयर है, ये बीच में चिकन और ये कबाब वाला मसाला टाइप उन्होंने बनाया हुआ है, और ये चीज़ चेक करें आप, ओए होए होए सुभान अल्लाह, धुएँ उठ रहे हैं, क्या बात है। ये चिकन चीज़ पराठा लग रहा है, वाह जी वाह, इसमें ये जो पेस्ट डालते हैं आप, ये किसका बना होता है? चिकन मसाले वगैरह डाल के और पेस्ट बनाते हैं आप? हुए हुए हुए, एंड अखीर मज़े का। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्ट्रीट फूड। आप हैं मेरे मेहमान और मैं हूं आपका मेज़बान अली नवाज़। आज हम लोग मौजूद हैं कराची सिल्वर स्पून पे, ये लोकेटेड है यहाँ पे लिबर्टी मार्केट में, और इनकी जो स्पेशल चीज़ें हैं पराठा रोल और इनके जो चीज़ पराठा हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं मुबीन अहमद ऑफिशियल, तो आज हम लोग यहाँ पर ना इनका टेस्ट करने आए हैं अफ्तारी के बाद पराठा, और फिर टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है ये। लें जी, ये हम इनका जो है ना पराठा चेक करें ज़रा, ये पराठे की लेयर है, ये बीच में चिकन और ये कबाब वाला मसाला टाइप उन्होंने बनाया हुआ है, और ये चीज़ चेक करें आप, ओए होए होए सुभान अल्लाह, धुएँ उठ रहे हैं, क्या बात है, क्या पा दिया बीच में, मोहब्बत ही डाल दी है। इधर आए जी, साथ में ये इनके एक मीठी चटनी है, एक खट्टी चटनी है इमली वाली, और साथ में दही की चटनी है। यार मुझे ये बताएं इस, और इस पराठे का ज़रा साइज़ चेक करें कि इतना बड़ा पराठा है, ये पिज़्ज़े से भी बड़ा पराठा है इन्होंने यहाँ पे दे दिया हमें, तो बहुत ही मज़े का सीन, अभी खाता हूँ फिर टेस्ट करके आपको बताते हैं ज़रा। ये जी नहीं नहीं, साथ में ये हमने रख दिया जी, मीठी चटनी लगाई है, हुए हुए हुए, एंड अखीर मज़े का गर्मा गर्म पराठा। कोयटा पराठा नहीं है ये, कराची सिल्वर स्पून है, ओरिजिनल ब्रांच है इनकी, यहाँ लिबर्टी में, ये लिबर्टी के बिल्कुल ऑपोजिट है, और यहाँ पे हम बालकनी में बैठे हैं, और मैंने मुबीन भाई को कहा था कि आपको मैं अच्छे वाला व्यू दिखाऊंगा, आप यहाँ पे बैठ जाना ताकि आपको मार्केट का व्यू नज़र आता रहे, आपका दिल लगा रहे, ठीक है। की होया करंट पै गया, शुरू करने लगे हैं जरा पाड़ू प्रोग्राम। मुबीन भाई नूं पता भी नहीं लगना कि पराठा गया किधर है, तो मुबीन भाई जिन्ना खाना है खा लो जल्दी जल्दी। खाने पीने बड़े शौकीन ने, बहुत हैवी पराठा है यार, बहुत ही लोडेड पराठा है। मैं कहता हूँ आप ये 13 इंच का जो पिज़्ज़ा होता है ना, उससे भी बड़ा पराठा इस पराठे का साइज़ है, ऐसे ही है कि नहीं? कोई मैं ओवर रेट नहीं कर रहा, जो रियल में चीज़ है वही बता रहा हूँ। यकीन माने आप, आपको 500 में इतना बड़ा पिज़्ज़ा कहीं भी नहीं मिलेगा। एक्चुअली में ना हम लोग आए थे जिले पे, क्योंकि जिला जो है ना वो जिला नहीं जा रहा आजकल, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, उस संभाले नहीं जा रहे लोगों को, इन्ना क्यों पा दिंदा है, लोग तिलक जाते उनकी मोहब्बत, हाँ आशीष खास तौर पर, आहो ठीक है। तो हम लोग आए उसी के पास से, लेकिन हमें पता चला कि उसने ओपन होना है 11 बजे, तो फिर हम यहाँ पे आ गए, ज़रा भूख लगी थी, अगर इसके बाद भी तमन्ना तो होगी फिर चलेंगे जिले के पास। अच्छी जगह ले गए हैं, मैं अप्रिशिएट करना।
थैंक यू। अच्छा यार एक बात तो मैं ना आप लोगों को बताना ही भूल गया कि मुझे कहाँ से पता चला इस जगह का। हाँ ये बड़ा सवाल है। जब हम ना यूनिवर्सिटी में थे ना लास्ट सेमेस्टर में, बल्कि आखिरी दो आखिरी दो सेमेस्टर थे हमारे, तो शायद ही हमारा कोई दिन गुजरा हो हमने बाहर का खाना नहीं खाया। हमारा कोई 5-6 लोगों का ग्रुप था, तो हम लोग रोज़ाना ही कहीं ना कहीं खाने जाते थे, और ये खानों के स्पॉट में से ये फेवरेट स्पॉट था हमारा, प्राइम लोकेशन। ठीक है, महीने में 2-3 बार हमने यहाँ पे आना ही आना। तो ये जगह जो है ना मेरे दोस्तों ने बताई थी मुझे, और अभी उनको मैं वाकई मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। और अब देखेंगे अब, अब तो काफ़ी अरसा भी हो गया मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ। जब पता आपको यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाती है तो फिर सारे अपने अपनों राह। पराठा वगैरह भी हमने खा लिया है। तुम बीन भाई आपके कैसे रिव्यूज़ हैं? जी मैंने पहली दफ़ा 35 साल मेरी उम्र होने वाली है 35 सालों में मैंने पहली दफ़ा इतना लजीज और मज़ेदार पराठा ट्राई किया है, और फुली लोडेड था, बीच में फुल कबाब और खुशबू आ रही थी यार, जो क्या लेवल था। चिकन वाला सारा पेस्ट है ना, वो ऐसा ही लगता है कि आपने जैसे कोई 14-15 इंच का ना फुल पिज़्ज़ा मंगवाया और फुली लोडेड है वो। और इतना सस्ता पिज़्ज़ा जो है ना वो आपको कहीं भी नहीं मिलना, पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलना भाई। सही कह रहे हैं। 500 रुपये का ये पराठा है और इसका कोई साइज़ है 14-15 इंच, और इतने में कोई पिज़्ज़ा नहीं मिलता भैया आपको। स्मॉल पिज़्ज़ा जो है ना वो 700-800 रुपये चला गया। इनकी जो सिटिंग है ना वो बाहर भी है और अंदर भी है, और फैमिली के लिए भी पूरा जो है ना इनका सिस्टम है। तो आप लोग आएँ यहाँ पर ट्राई करें और फिर बताएँ कैसा लगा आपको। तो भाई एक बात जो मैं आपको कहना भूल गया कि आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब इस वजह से करना है कि हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं फूड सीरीज़ जो प्योरली स्ट्रीट फूड होंगे। बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन पहले हमने जाना है स्ट्रीट फूड पे, ताकि हमारा बजट भी ज़रा जो है ना वो थोड़ा ही है, और जब आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम बड़े जो है ना वो फूड पॉइंट्स पर भी जाएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को कर लेना है लाइक, कमेंट और शेयर भी कर लें, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।